Go AMK channel and press a subscribe button and then press a bell icon to continue a video. Welcome back guys, आज हम लोग हुमायूं के शासनकाल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हुमायूं का शासन जो रहा 1530 से 1556 तक रहा। इसके बीच में शेरशाह सूरी अफगानों का भी शासन चलता है, लेकिन उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बताएंगे। तो देखते हैं कि बाबर के चार पुत्र थे, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चार पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। बाबर की मृत्यु के चार दिन बाद के पश्चात हुमायूं 13 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने भाइयों को साम्राज्य का विभाजन किया, अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का विभाजन किया था। ऐसा पहला मुगल शासक था। ठीक है, अपने पिता के आदेश के अनुसार कामरान को काबुल और कांधार दे दिया। ठीक है, और अस्कनी को संभाल दे दिया, हिंदाल को अवरल दे दिया, अलवर दे दिया कि जागीरें दे दी। ठीक है, प्रारंभ में बाबर के प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं के आयोग समझकर बाबर को के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। बाबर को आयोग समझकर मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, किंतु अपना जीवन खतरे में पाकर हुमायूं का साथ दे दिया। बाद में हुमायूं का समर्थन किया सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि 1532 में जब हुमायूं ने पहली बार चूनर पर घेरा डाला, उस समय यहाँ किला अफगान नायक शेर खान के अधीन में था। ठीक है, शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा लड़के कुतुब खान के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। 1532 में बाद बहादुर शाह ने रायसेन में महत्वपूर्ण किले को जीत लिया एवं 1533 में मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश कर दिया। किसने? बहादुर शाह ने। ठीक है, वो बाद बहादुर गलती से बोल गया था, सॉरी, बहादुर शाह ने। ठीक है, हुमायूं ने 1535 से 1536 में बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह पराजित हुआ। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के किले पर को जीत लिया, अधिकार कर लिया। चंपानेर और मांडू के किले में अधिकार कर लिया, जो किसके पास थे? बहादुर शाह के पास थे। हुमायूं ने चूनरगढ़ का किला जो था 1538 में दूसरा घेरा डाला और किले पर अधिकार कर लिया। कब? 1538 पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि 15 अगस्त 1538 ईस्वी को जब हुमायूं गोंड पहुंचा तो उससे वहां चारों ओर लाशों का ढेर तथा उजड़े दिखाई दिए। हुमायूं ने इस स्थान का नाम जन्नताबाद रख दिया। ठीक है, कब? 15 अगस्त 1538 में। चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को हुमायूं और शेर खान के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया। चौसा का युद्ध, हुमायूं पराजित हुआ। कब हुआ? 29 जून 1539 में। ठीक है, अगला देखते हैं। इस विजय के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। कौन से युद्ध के पश्चात? चौसा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद करिएगा। 15 मई
1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसको, के युद्ध में हुमायूं पुनः परास्त हो गया। ठीक है, हुमायूं के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को विवाह हुआ। अच्छा, इसी समय जब ये छोड़ के चला गया था, भारत छोड़ के चला गया था ये, 1540 में जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो भारत छोड़ के चला गया था ये, शेर खान ने इसको भगा दिया था। उसके बाद वो चला गया, फिर उसने शादी की थी, फिर वो 1545 में वापस काबुल, देखिए आगे देखते हैं। 1545 में हुमायूं ने काबुल और कांधार पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि 15 मई 1555 में मुगलों और अफगान सरदार नसीब खां तथा तातारा खां के संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया। कब? 15 मई 1555 को। फिर आगे देखते हैं कि 22 जून 1555 में सरहिंद पर युद्ध हुआ और अफगान बुरी तरीके से पराजित हो गया। इसी युद्ध के बाद, सरहिंद के युद्ध के बाद, दिल्ली पे दोबारा मुगलों का अधिकार हो गया। तो क्या है कि 23 जून 1555 को दिल्ली पर बैठ गया कौन? हुमायूं शासन करने लगा। तो ये वाला चैप्टर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मैपिंग देख लेते हैं थोड़ा, है ना, मैपिंग देखते हैं हम लोग। तो हुमायूं की मैपिंग देख लेते हैं हम लोग। तो 1565 तक हम लोग हुमायूं की मैपिंग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो इलाका है, देखिए, अस्कनी, फारस, खुरासान, अफगानिस्तान, ये जो बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ पर बस हुमायूं शासन करता है, बस उसके अलावा कहीं नहीं करता। इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। नीचे देख लेते हैं कांदार और काबुल जो आ जाते हैं आपके, आ जाते हैं, जिसको किसको दे दिया था हुमायूं ने? कामरान को दे दिया था, अपने से बड़े वाले भाई को, छोटे वाले, सॉरी, छोटे वाले भाई को। उसके बाद देखते हैं पेशावर हो गया, रोहतास हो गया, ठीक है, लाहौर हो गया, इसी तरह पूरा दिल्ली वाला ये इलाका हो गया, सरहिंद हो गया, दिल्ली, पानीपत हो गया, ये पूरा ये यहाँ से आ जाता है। इतना काफ़ी, थोड़ा सा ही सीमा रहती है हुमायूं की, बाकी इधर आपके इलाके सब अलग रहते हैं। तो इतनी है हुमायूं की मैपिंग, आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। समझ तो गए होंगे, खाली देखना है, बार बार देखते रहेंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा आपको। इतनी ही मैपिंग है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल।